हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा वीडियो है DIY, डू इट योर सेल्फ, तो ये वीडियो मेरा जो आया है हेयर केराटिन को लेकर है। आप देख सकते हैं मेरे बालों को, तो ये मैंने घर पे ही हेयर केराटिन की है बहुत ही इजी तरीके से। सिर्फ 3 चीज़ों का मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, और इससे बालों का आप लस्टर देख सकते हैं कितना अच्छा थिकनेस। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने हैवी लग रहे हैं। तो ये मैं महीने में 2 से 3 बार अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर, जिससे मेरे बालों की शाइन बनी रहती है। बाल काले, लंबे, घने, आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल भी हेयर एक्सटेंशन। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने हेयर एक्सटेंशन करा रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हेयर एक्सटेंशन नहीं करा रखे मैंने, ये मेरे खुद के रियल बाल हैं जो कि मैं घर पे बहुत केयर करती हूँ बालों की। इसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, और होम रेमेडी का मैं यूज़ करती हूँ। तो अब जो मैंने रेमेडी इस्तेमाल करी है, यूज़ करी है, बालों पे अप्लाई करा है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी है बालों को खूबसूरत हसीन बनाने के लिए। तो जो वुमेन की जो सुंदरता है, लुक है, वो बालों से ही आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बालों पे ये रेमेडी यूज़ करती हूँ और मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे बाल। ये सिर्फ मैंने 3 से 4 महीने करा है, और आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे हो रखे हैं और शाइन कितनी अच्छी आ रखी है बालों के अंदर। क्योंकि वैसे अगर आप बाहर केमिकल वगैरह जो यूज़ कराते हैं बालों में, उससे क्या होता है कि बाल डेड हो जाते हैं और शाइन चली जाती है, और काफ़ी मतलब कि एक्टिव। जो आप अगर घर में रेगुलर बेसिस पे आप कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो नेचुरल लगती है, ऊपर से ये ग्रोथ भी करता है। और ये रेमेडी बनाने के लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो रेमेडी आपको मैं बता, सो गाइज, हेयर केराटिन के लिए मैंने जो जेल बनाया है, इसमें मैंने लिए फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, जो कि जेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देता है ये। और इसके बाद मैंने लिया है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, जो कि घर के अंदर ईजिली मिल जाता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप थोड़ा सा चावल लेके मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी को गर्म किया। इसके बाद मैंने जो चावल का आटा था वो डाल दिया इसके अंदर, और अलसी के बीज भी डाल दिए। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि दोनों का जेल मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ और ये रेडी हो जाए। तो इसको कम से कम आप 10 मिनट के लिए गैस पर ही छोड़ दें, और इसको बीच बीच में चलाते रहें, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हर 2-4 मिनट बाद इसको चला दें। तो अब आप देख सकते हैं फ्लैक्स सीड्स का उसका जेल बाहर आ चुका है, और चावल की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बन चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों घोल मिक्स होकर कितना एक ज़बरदस्त तैयार हो चुका है कंसिस्टेंसी इसकी। तो अब ये रेडी हो चुका है। इसके बाद आप ना किसी छन्नी से या फिर किसी कॉटन के कपड़े से आप इसको छान के इसका जेल बाहर निकाल ले, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही छान के एक बाउल में रख लिया था, और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे दही। तो आप इसके अंदर दही डाल देंगे। अगर आप नींबू का यूज़ करना चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, अगर आपके बालों को सूट करता है, या फिर आप ऑनियन का रस डाल सकते हैं, प्याज का रस, अगर वो आपके बालों में सूट करता है तो। लेकिन मैंने सिर्फ दही डाली है इसके अंदर, लेकिन अगर आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। तो ये एक पैक रेडी हो चुका है बालों के लिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने सर पर, तो मैं अप्लाई करके दिखाती हूं आपको। बालों को अच्छे से सुलझा लें आप। सुलझाने के बाद आप रूट से लेके एंड तक आप इसको अप्लाई करेंगे। चावल का पानी बालों को मजबूत और घना करने में हेल्प करता है। इसमें फोलिक एसिड हेयर सेल्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। बाल मजबूत और घने हो जाते हैं क्योंकि ये बालों को पोषक तत्व देता है। साथ ही चावल के पानी में मौजूद अमीनो एसिड नए बाल उगाने में भी हेल्प करता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है बालों के लिए भी। आप इसका अप्लाई फेस पे भी कर सकते हैं।
चावल के पानी में विटामिन और खनिज होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं और विकास करने में भी इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ही ये यूज़फुल है। अगर आप इसका नियमित रूप से 5 से 6 महीने के लिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप रिज़ल्ट जल्दी ही देख लेंगे। आपके बालों में शाइन और ग्रोथ और थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके बाल काफ़ी शाइन करेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। जो ये फ्लैक्स सीड्स है ये स्कैल्प और सूजन को कम करता है और बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है। अलसी में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, ये बालों के रूखेपन को दूर करने में हेल्प करते हैं। अलसी के बीज विटामिन ई, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे गुणों से भरपूर है। और दोस्तों आपको पता है अलसी के बीज को इस्तेमाल करने से जो बालों की ग्रोथ है वो बेहतर होती है और बाल काफ़ी घने और मोटे होते हैं। और गाइस तीसरी चीज़ जो हमने डाली है इसके अंदर वो डाला है हमने दही। दही बालों को घना और मजबूत बनाती है। दही में प्रोटीन भी उच्च मात्रा में होता है जो बालों को मजबूत बनाने का काम करती है। ये सामने आया है कि दही में मौजूद लैक्टिव एसिड बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये स्कैल्प को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और जितनी भी डेड स्किन कोशिकाएँ होती हैं उनको दूर करता है, बालों के लिए अच्छे और ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है ये। तो गाइज ये थे इसके बेनिफिट और इस जेल को आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सच में आप एक बार ज़रूर अप्लाई करिएगा, आपको पहली बार में ही रिज़ल्ट का पता लग जाएगा और आप इसको ज़रूर लगाएं। मेरे ख्याल से तो लगाना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे आप लोगों को पता ही है बालों का झड़ना, रूखापन, बेजान, तो कुछ ना कुछ घर की रेमेडीज़ करती रहनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होती है, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आप इसको लगाने के बाद 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 से 2.5 घंटे बाद ही आप बालों को वॉश करेगा, किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप उसको वॉश कर सकते हैं। आप इसको लगाने के बाद सर पे एक पॉलीथीन या फिर इसका बन बना लीजिएगा आप, जैसे कि मैंने बनाया है। और मैंने इसको 2.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था, 2.5 घंटे के बाद मैंने एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लिया था। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेमेडी है और मैं आपके लिए रेमेडीज लेकर आती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइस 2.5 घंटे बाद मैंने अपने बालों को वॉश किया है। आपको लग रहा होगा मैंने प्रेसिंग करी है लेकिन सच में मैंने प्रेसिंग वगैरह नहीं करी है। ये राइस का कमाल है और ये जितने भी मैंने इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं ये इनका ही कमाल है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं और सच में मैंने कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक माइल्ड शैम्पू से वॉश किया था। कोई भी शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।